There was election in 4 states and 1 union territory. I request you to please maintain silence. Please. It's a humble request. Please maintain silence. Friends of the media, 4 राज्यों में चुनाव था, 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव था। आसाम में सत्ता कंटिन्यू की गई, तमिलनाडु में बदलाव हुआ, पर पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं वायलेंस नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल रक्त रंजित रहा। 2 मई के बाद, एक सेकंड आप रुक सकते हैं क्या भाई? गंभीरता समझिए। आई विल अलाउ यू टू आस्क क्वेश्चंस। यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। यू आर द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इफ आई कांट परसुएड यू, श्योरली आई कांट इंपैक्ट एनीवन एल्स। 2 मई के बाद प्रांत में भयावह स्थिति है। प्रांत रक्तरंजित है। लोगों को जुल्म सहना पड़ रहा है, हत्याएं हो रही हैं, आर्सन है, लूट है, लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। वो प्रांत में कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांत तक भी जा रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था का एक ही कारण है कि राज्य में अराजकता है, लॉलेसनेस है, कानून का राज नहीं है। 2 मई के बाद भयावह स्थिति का वर्णन जब मैंने लोगों से सुना, मेरे आंखों के आंसू सूख गए। देश और दुनिया में लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं कहा। मैंने 10 दिन तक इंतजार किया। मैंने सोचा था सरकारी तंत्र में भावना जागेगी, लोगों के आंसू पूछेंगे, कंपेंसेशन देंगे, रिहैबिलिटेशन का काम करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। जब ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा तो व्यवस्था में मुझे निर्णय करना पड़ा कि राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मुझे अफेक्टेड एरियाज में जाना पड़ेगा। उस समय माननीय मुख्यमंत्री का एक पत्र आया। उस पत्र का आशय यह था कि राज्यपाल सरकार की मुट्ठी में है, सरकार से पूछ कर कहीं जाए, जब तक सरकार इजाज़त नहीं दे वो नहीं जाए। मैं कई बार कह चुका हूँ, राज्यपाल रबर स्टैंप नहीं है, राज्यपाल पोस्ट ऑफिस नहीं है। भारत के संविधान के तहत राज्यपाल के अधिकार और दायित्व निश्चित किए गए हैं। मेरे दायित्व 2-फोल्ड हैं। मेरा पहला दायित्व है भारत के संविधान को बचाना, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट, और सेकंड है टू सर्व द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को जवाब दिया कि कम से कम आप मेहरबानी करके इतना तो मानो कि बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान सर्वोपरि है। इस संविधान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक प्रशासनिक आदेश जिसके न सिर है न उसके कोई पैर है, न कोई विधिक आधार है। आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री को इस प्रकार के आदेश की जानकारी पहचान 18 महीने तक नहीं हुई। वो तब हुई उनसे जान पहचान जब मैंने जनता के आंखों पहुंचने की कोशिश की, आंखों से आंसू पहुंचने की कोशिश की। मैं कूच बिहार गया, हेलीकॉप्टर से उतरते ही मैं लगातार शाम के 6:30 बजे तक उन सब स्थानों पर गया। मेरा आंकलन गलत था।
जो स्थिति मैंने सोची थी उससे ज़्यादा भयानक थी, ज़्यादा भयावह था। आप समझ सकते हैं राज्यपाल पर क्या बीती होगी। जब एक बच्ची कहती है हमने तो झंडा भी लगा लिया फिर भी राहत नहीं मिली, वो फिर आएंगे, आप आ गए तो निश्चित रूप से आएंगे। एक वृद्ध महिला के आंसू नहीं रुक रहे थे, उन्होंने कहा पोती की शादी के लिए जो इकट्ठा किया था सब लूट ले गए, लोगों के घर किस तरीके से बर्बाद हुए हैं, व्यापारी संस्थानों का क्या हाल किया गया है, जो सामान थे बेपरवाह होकर लूट कर ले गए, जो बचा उसको डिस्ट्रॉय कर गए। ये सब एक ही कारण से किया गया, इसका कारण है दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आपने इतनी बड़ी हिमाकत क्यों कर ली कि अपनी मर्जी से वोट दे रहे हो, आपने हमारे खिलाफ वोट क्यों दिया। क्या प्रजातंत्र में वोट देने की सजा मौत है? क्या प्रजातंत्र में अपने हिसाब से विवेकपूर्ण तरीके से मतदान करना बलात्कार इनवाइट करेगा, आर्सन इनवाइट करेगा, लूट इनवाइट करेगा? ये व्यवस्था गलत है, इस प्रकार के हालात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के हालात संकेत देते हैं कि भारत के संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हो रहा है। वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसकी शुरुआत चुनाव के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ममता बनर्जी ने की, जब उन्होंने पहली बार जनता को चेतावनी दी सेंट्रल फोर्सेस कब तक रहेंगी, उनके जाने के बाद कौन बचाएगा हम देख लेंगे। मुझे उनसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी, वो अनुभवी नेता हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं, इस प्रकार का अमर्यादित और उत्तेजित वातावरण पैदा करना उनको शोभा नहीं देता। पर वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने तुरंत किया और ये कहा कि सेंट्रल फोर्सेस का विरोध करने के लिए, उनको इंसाइट करने के लिए अपने कार्यकर्ता महिलाओं को उकसाया, का यूटेंसिल्स लेकर घर के बाहर आ जाइए, उनका विरोध कीजिए। और तीसरा चितलकुची की घटना अनफॉर्चुनेट है, पर उन्होंने इसको जेनोसाइड कहा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा, प्री डिटर्मिंड विचार बनाया, ओथ लेते ही SIT बनाई, SP को सस्पेंड किया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, जब पूरा प्राण जल रहा है आपको क्या इनके अलावा कुछ नहीं दिखा? आपको किसी के आंसू नहीं दिखे, किसी का दर्द नहीं दिखा, जलते हुए मकान नहीं दिखे, घर छोड़ते हुए व्यक्ति नहीं दिखे, बलात्कार से पीड़ित लड़कियां नहीं दिखी? अब एक नई समस्या आ गई, लोगों से एक्सटोर्शन टैक्स मांगा जा रहा है, घर में रहने के लिए, व्यापार करने के लिए। समझ में नहीं आता हम किस प्रकार की व्यवस्था में रह रहे हैं। आज के दिन सबके लिए आत्मचिंतन का मामला है। इतिहास राज्यपाल को जज करेगा, इतिहास मुख्यमंत्री को जज करेगा, इतिहास सरकारी तंत्र को जज करेगा, इतिहास मीडिया को भी करेगा। मेरे मन पर क्या गुजरती होगी जब मुख्यमंत्री के उस पत्र को जो कहता है कि संविधान से ऊपर एक प्रशासनिक आदेश है और मेरे जवाब का कहीं कुछ नजर नहीं आता है। आप लोग कैसे इस प्रकार की विकट परिस्थिति में एक नैरेटिव अफ्लोट कर सकते हैं, ऑल इज वेल, फील गुड? कुछ बिहार में 8-10 रूलिंग पार्टी के वर्कर्स राज्यपाल का कन्वॉय रोक देते हैं, क्या इससे भयानक कोई हालात हो सकते हैं? राज्य के हालात ये हैं,
जनता पुलिस से डरती है, जनता थाने में जाने से डरती है, जनता कहती है थाने में जाएंगे फरियादी बनकर वो हमें मुलजिम का टैग दे देंगे, वो हमें मुलजिम का टैग दे देंगे, और जब घर पहुंचेंगे तो रूलिंग पार्टी के हरमट आकर हमको पता नहीं क्या क्या यातनाएं देंगे। और पुलिस का क्या हाल है, जैसे जनता पुलिस से डरती है, पुलिस रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरती है, घबराती है, कांपती है। ये मैंने देखा है कुछ बिहार में, दिनहाटा में एक दर्जन से कम लोग इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दें। मुख्य सचिव को आगाह किया था, डीजीपी को आगाह किया था, डायरेक्टर सिक्योरिटी को कहा था। मैं उम्मीद करता हूं उस घटना की जांच की जाएगी, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। कलकत्ता जाकर मैं इस विषय में एक निर्देश जारी करूंगा ताकि इस प्रकार के हालात दोबारा न हों। कल्पना से परे दृश्य मैंने देखा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कूच बिहार में एसपी और कलेक्टर नदारद थे, इनकम्युनिकेटो थे। मैंने हर जगह पूछा, क्या कोई आपके पास आया? उनका एक जवाब था, आया। कौन आया? वही लोग आए जिन्होंने आतंक फैलाया, वही लोग आए हमें फिर पीड़ा देने के लिए। दो दहशत मैंने लड़कियों की आंखों में देखी है, बुजुर्ग महिलाओं में देखी है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। संजीदगी का परिचय देते हुए दुखी मन से मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जो कुछ मैंने देखा वो बताने से किसी का भला नहीं होगा। मैं सकारात्मक रवैया अपनाना चाहता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसी विकट घड़ी में जहाँ चुनौती प्रजातांत्रिक व्यवस्था को है, संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, हम सबको मिलकर एकाग्रता से आना चाहिए। जब मैं रनपंगली गया आज सुबह हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया तो मैं बाई रोड गया, वहां का दृश्य देखकर मैं दंग रह गया। उनके आंसू नहीं थम रहे थे, वो कह रहे थे हमें मार देंगे, हम वापस आएंगे तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हमें वो नहीं छोड़ेंगे। अब तो उनको पता लग गया कि कौन कौन यहां आए हैं, तो चुन चुन कर मारेंगे। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये सिविल सोसाइटी है? देश और प्रांत की मानव अधिकार संस्थाएं जो अखबारों की सुर्खियां लूटने में कसर बाकी नहीं रखती हैं, कहां है वो? उनके कान पर चूं क्यों नहीं रेंग रही है? क्यों वो इनिशिएटिव नहीं लेते? किनको प्रताड़ित किया जा रहा है बंगाल में, ये आप सब जानते हैं। कौन प्रताड़ित कर रहा है? किन लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत दे रखी है? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। मैंने उन लोगों को हौसला दिया है, आप वापस आइए, आई विल टेक द बुलेट ऑन माय चेस्ट। मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा, सकारात्मक रवैये से चर्चा करूंगा। उनको मैंडेट मिला है, उनको कन्फ्रंटेशन छोड़ना चाहिए, उनको अपना गियर बदलना चाहिए। टकराव टकराव टकराव, आखिर ये टकराव कब तक है? ये टकराव किससे? भारत के संविधान से?
फेडरल स्ट्रक्चर से, राज्यपाल से, केंद्र सरकार से, इलेक्शन कमीशन से, सेंट्रल फोर्सेस से, ये हो क्या रहा है? धन पगली के अंदर प्रोटोकॉल के तहत स्पेशल डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, वहाँ के कमिश्नर थे, वहाँ के कलेक्टर थे, वहाँ के एसपी थे, और जिस प्रांत में मैं राज्यपाल हूँ वहाँ वो नजारत है। ये संकेत देता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के जो अधिकारी यहाँ पर हैं उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा, वो राजनीतिक कठपुतली बन गई हैं, वो राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए हैं, उनका अपराध बहुत भयानक है, उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है, जिसको स्टील फ्रेम कहा जाता था उसके उन्होंने जंग लगा दिया है और जनता इसका खामियाजा भुगतती है। मेरे कानों में ये बातें आ रही हैं, कई जगह से आ रही हैं कि सेकंड वेव और आने वाली है, वो इससे ज़्यादा भयानक होगी, आतंक की, लोगों को प्रताड़ित करने की। मैं काफ़ी परेशानी में हूँ, कारण पूरे प्रांत में मुख्यमंत्री ने, उनका अधिकार है, उनको ये करना चाहिए था चुनाव प्रचार, मुझे उस पर कोई टिका टिप्पणी नहीं करनी है, पर अपनी चोट के बावजूद उन्होंने प्रचार किया, आई सल्यूट है। पर चोट ठीक होने के बाद प्रांत के हर कोने में बलात्कार, हत्या, आरसन, लूट, लोगों का घर छोड़ना, लोगों पर अत्याचार होना, एक पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर आक्रमण, बूथ के ऊपर आक्रमण, महिला और बच्चों ने क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया है, कितनी बार बर्दाश्त नहीं किया है, क्या वो कहीं गई? क्या एक आंसू बहाया? क्या किसी को भेजा? क्या कंपेंसेशन का सोचा? क्या रिहैबिलिटेशन का रास्ता अपनाया? मुझे कुछ नजर नहीं आया। ये ठीक नहीं है, ये बहुत गलत दिशा में हम जा रहे हैं। और सबसे पहले तो मुझसे शिकायत है, ऐसी परिस्थिति को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? तभी मैं निकला वहाँ से। मैं आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप प्रजातंत्र के फोर्थ पिलर हैं, क्या आपको ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? आप उन स्पोर्ट्स पर क्यों नहीं जाते? उन लड़कियों से पूछो जिनको दूसरी बार बुलाने का डर लग रहा है, क्योंकि पहली बार क्या हुआ है, उनसे पूछो जिनका घर कैसे उजड़ा है, मैं देख रहा हूं, उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है, कोई व्यापार कर रहा था सब कुछ तोड़ा है, लाखों की बर्बादी की है, एक एक घर में उनका गैस चूल्हा ले गए, खाने का सामान ले गए, और यहां तक हालात कर दिए हैं कि जहां जहां मैं गया वहां वहां एक बात कही उन्होंने, अब हमें कौन बचाएगा? इसका नजारा मैंने दिन हटा में देख लिया, 10 से कम लोग, यदि अगर राज्य के राज्यपाल की गाड़ी को रोक सकते हैं तो आम आदमी की तो क्या औकात है? आम आदमी के कोई मानव अधिकार नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। आप भी जगिए, अपना कर्तव्य कीजिए। आई टेक सम क्वेश्चंस। जैसे कि आपने बताया कि खड़े होकर बताइए, जैसे कि आपने बताया कि इनाटा में ऐसा स्थिति है, असम में बहुत सारे लोग वहाँ पे उठे हुए हैं, तो फाइनली व्हाट इज द आउटकम? क्या हम लोग C56 के तरफ जा रहे हैं? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? अपने कहाँ जा रहे हैं?
इस विषय को एक बार छोड़ दीजिए। आपसे गुजारिश करता हूँ, क्या मीडिया वहाँ गया जिन लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरे प्रांत के अंदर रहे? गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? मुझे उस दिन का डर लगता है जिस दिन मीडिया डर जाएगा। वो दिन आज मेरे सामने है। जहाँ भी गया मैंने पूछा, कोई पत्रकार आया क्या? कल नहीं आया। हम कहाँ जा रहे हैं? आदमी घर क्यों छोड़ता है? पश्चिम बंगाल में आज के दिन हजारों लोग अपना घर छोड़कर पश्चिम बंगाल में दूसरे का शरण ले रखी है, कुछ दूसरे प्रांत में गए। वो तब छोड़ता है जब वो इस कंक्लूजन पर पहुँचता है, मैं यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। ये कंक्लूजन पर पूछता है कि प्रशासन मेरी जिंदगी नहीं बचाएगा, व्यवस्था मेरी मदद नहीं करेगी, तो जान बचाने के लिए वो भगता है और जान बचाने के लिए दूसरे प्रांत में शरण ले। इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं मेरा सर झुकाता हूं इस बात को लेकर कि मैं प्रथम सेवक हूं, पर आप भी मेरे साथ दोषी हैं। मेरे साथ तो कुछ पत्रकार गए, आप कहीं क्यों नहीं गए? कौन सा ऐसा डर है जो आपको रोक रखा है? हमने देश में देखा है, एक प्रांत से जब कुछ लोग प्राण छोड़कर गए, आज तक हमारे दिल पर वो चोट है। मैं नहीं चाहता ऐसी पुनरावृत्ति पश्चिम बंगाल में हो, तब मैंने वो निर्णय किया है। वहां बहुत आसान था उस हालात को कंट्रोल करना सरकार के लिए, कंपेंसेशन, रिहैबिलिटेशन एंड एरिया डोमिनेशन करते। कुछ नहीं किया सरकार ने, कुछ नहीं किया आपने भी, कुछ नहीं किया। एक एक का इंटरव्यू लेते ना तो आपको पता लगता कि क्या हो रहा है। घर में मौत हो गई, उसमें भी उन्होंने क्या खिलवाड़ किया। दो दो बच्चियों के बाप के पांव काट दिए गए, घर में जानवरों को नहीं बख्शा गया। मैं भावनाओं को उत्तेजित नहीं करना चाहता, काटा गया। आपकी चुप्पी और मेरा इनएक्शन, हम लोगों को दंड मिलना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। हम इतिहास के उस मोड़ के ऊपर खड़े हैं आज के दिन, जब हम चुप हैं और संविधान को तिलांजलि दी जा रही है। क्या ये ओपन सीक्रेट नहीं है कि विक्टिम कौन है और क्राइम करने वाले कौन है? क्या आपके मन में कोई शंका इस बारे में? क्या आपको नहीं पता कि पुलिस कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की औकात नहीं रखती है यहां पर, चाहे वो राज्यपाल की गाड़ी कोई रोक दे? जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से SSKM हॉस्पिटल में मिलने गया था, जब उनके चोट लग गई थी, वो नंदीग्राम से सीधी आई। एक दुराचरण किसी व्यक्ति ने किया, राज्य की पुलिस को मुकदमा दर्ज करने में 5 दिन लगे। राज्यपाल के साथ घटना होना, 5 दिन के अंदर बैठक की चीफ सेक्रेटरी ने, DGP ने, होम सेक्रेटरी ने, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने और डायरेक्टर सेक्रेटरी ने, और मुझे भी ऑडियो कॉन्फ्रेंस पर रखा। जो 1 सेकंड में FIR दर्ज होनी चाहिए थी, वो मेरे जोर देने से 5 दिन लगे। आम आदमी की क्या औकात है? आम आदमी क्या प्रजातंत्र में अपने मन का वोट देने की सजा मौत होगी? क्या बलात्कार से पीड़ित होना पड़ेगा? क्या घर जलना देखना पड़ेगा? क्या व्यापार का एक्सटॉर्शन टैक्स देना पड़ेगा? क्या डर डर कर मरना पड़ेगा या जीना पड़ेगा?
ये हालात बर्दाश्त नहीं हो सकते। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, उनसे उनमें बदलाव चाहता हूँ, सकारात्मक रवैया चाहता हूँ, कन्फ्रंटेशन को त्यागने के लिए कहूँगा, वरना हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, इतनी गलत दिशा में जा रहे हैं कि वहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्य तो कुछ है? आप बताइए, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, कैसे? आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए हालात क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। आपने कुछ रिपोर्ट किया आज तक जो कुछ मैंने कहा है? या तो मुझे कहिए कि राज्यपाल महोदय, आपने जो स्थिति का आकलन किया है, भयानक स्थिति का वर्णन किया है, ये गलत है, मैं सही कहता हूँ, तो आपको ही नजर क्यों नहीं आया? हर नागरिक का कर्तव्य है मेरे भाई, मैं आपके प्रश्न को ऑब्जेक्ट नहीं करता, आपका प्रश्न लाजमी है। मेरा जो दायित्व है वो टक्कर टकराव का नहीं है, मैं न किसी से टकराव चाहता, न किसी को टक्कर देना चाहता, मैं सुधार चाहता हूँ, मैं संविधान के प्रति आस्था चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सब मिलजुल कर काम करें। देश के सामने बड़ी समस्या कोविड, प्रांत के सामने कोविड और पोस्ट पोल वायरस की समस्या है, इसमें नेगेटिविटी को त्याग दीजिए। जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं वो भारत की संस्कृति का अनादर कर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी से, एकाग्रता से, सहभागिता से, सबको साथ लेकर लड़ने की बात है। जहाँ तक मेरे को क्या करना है उसकी सार्वजनिक चर्चा मेरे भाई हो नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। सर, ये सब जब कोलकाता में केएमसी का रिएक्शन था कि वो बीजेपी के घर में जा रहा है, वाई नॉट जो लोग केएमसी से है उनके घर की नहीं जा रहा है, ये कोलकाता के जो केएमसी के लोग कह रहे हैं, कुछ केएमसी के एमपी का रिएक्शन हम लोगों ने देखा, शायद आप भी देखा होगा टीवी पे। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मेरे से दो प्रश्न पूछे हैं, मैं ट्विटर पर देखता हूँ। पहला तो स्थानीय सांसद मेरे साथ क्यों थे, ये प्रश्न पूछा, मेरे साथ क्यों गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सांसद की कोई पार्टी नहीं होती है, जैसे ममता बनर्जी सिर्फ टीएमसी की मुख्यमंत्री नहीं है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, और यही तो मेरा उनसे आग्रह है, कोई क्राइम करे या कोई विक्टिम हो, आप दोनों के मुख्यमंत्री हैं, क्राइम करने वाले को प्रताड़ित कीजिए, विक्टिम को मलम लगाइए। इसी तरीके से सांसद किसी पार्टी का नहीं है। यदि आप लोकसभा की डिबेट्स देखेंगे, जहाँ 30 साल पहले मैं सांसद था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, वहाँ जब सांसद बोलता है लोकसभा में तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम आता है, उसकी पार्टी का नाम नहीं आता है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, कूच बिहार सांसद निशित प्रणामिक मेरे साथ गए, वो स्थानीय सांसद हैं, पर चुनाव के दौरान जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा होता है, जब कूच बिहार में ही टीएमसी की संसद सदस्य नुसरत जी रुकी हुई थी, और वो वहाँ से उसी दौरान सिलीगुड़ी आ रही थी, जब ये मुझे जानकारी मिली तो मैंने मेरे एडीसी को कहा कि माननीय संसद सदस्य हेलीकॉप्टर में मेरे साथ सिलीगुड़ी तक जा सकती है। ये मैंने उनको मैसेज कराया, क्योंकि संसद सदस्य या किसी प्रतिनिधि की मैं पार्टी नहीं देखता। रही दूसरी बात, आप मुझे बता दीजिए, मैं गया था पोस्ट पोल रेट्रीब्यूटिव वायलेंस अफेक्टेड एरियाज को देखने, आपको कोई नज़र आया? आपकी जानकारी में कहीं भी नज़र आए, मैं आगे भी प्रांत में जाऊंगा, मैं सभी से आग्रह करूंगा, मुझे बताइए। मैं न टीएमसी देखता, न बीजेपी देखता, न कांग्रेस देखता, न कम्युनिस्ट देखता, मैं देखता हूँ आगजनी कहाँ हुई है, बलात्कार कहाँ हुआ है,
हत्या कहाँ हुई है, डर कहाँ है, एक्सट्रोशन टैक्स कौन ले रहा है, मैं वहाँ देखता हूँ। यदि अगर आपको कोई ऐसा मिले कि टीएमसी के यहाँ कोई पोस्ट पोल वंडालिज्म हुआ है, मुझे बताइए, मैं उसी दृष्टि से गया था। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, टीएमसी की तरफ से कल एक और रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि मोदी एंड कंपनी हार गए हैं, ये मोदी का हार है, इसीलिए आपको दुख हो रहा है, इसीलिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, जैसे कि टीएमसी के एमपी ने कहा। सबसे पहले कहूँगा, क्या आपको प्रश्न पूछना चाहिए था? मैं आपका वो लोग तो वन वो तो कुछ भी नहीं, वो तो कुछ बोले, आपको लग रहा है दुनिया के इतिहास में कोविड लड़ने के लिए जितनी बड़ी जंग केंद्र सरकार लड़ रही है, आपको कोई मिसाल मिलेगी? कहीं मिल जाए तो मुझे बताना। निर्विवाद से, निर्विवाद रूप से हम संकट में हैं, भयानक स्थिति में हैं, उभरने की कोशिश कर रहे हैं, रोज उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मैंने सरकार से पूछा, आप लोग नहीं पूछते, 7 अप्रैल 2020 को राज्य सरकार को, केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए सहायता दी, मेरे ट्विटर पर वो चिट्ठी है, कुछ क्यों नहीं लगा? यहाँ का मीडिया नैरेटिव फ्लोट करता है, मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखती हैं वो हेडलाइन है, उन्होंने एक भयावह स्थिति कर दी, राज्य के बाहर ऑक्सीजन क्यों जारी है? मैंने हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, क्या गई है? बोला हमें नहीं पता। चिट्ठी क्यों लिखी? हम बोला हमें नहीं पता। ये प्रेस विज्ञप्ति जारी क्यों की गई? बोला हमें नहीं पता। और ऑफिशियल डिनायल आया, जो आप लोग 11वें पेज के ऊपर एक छोटी कॉलम में छापते हैं। मेहरबानी करके आज सोने से पहले 5 मिनट सोचिए कि क्या पत्रकार की हैसियत से मैं कुछ और भी कर सकता था जिससे मेरा नाम पत्रकारिता में उजागर होता, या मेरे न करने से क्या कुछ नहीं हो रहा है? एनी अदर क्वेश्चन? कोविड का ध्यान दीजिए, संकट में अपराध, जो कुछ मैंने कहा है इट इज नॉट डायरेक्टेड टू इंडिविजुअल्स, इट इज डायरेक्टेड टू अ ब्लॉक नोन एज मीडिया, क्योंकि मैं जानता हूं जो आप लोग यहां पर हैं वो हर एक मेरे से ज़्यादा अंदर से रो रहा है, मेरे से ज़्यादा परेशान है, मेरे से ज़्यादा पीड़ित है, और मैं ये भी जानता हूँ आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं। थोड़ा रस्सियाँ खोलिए, आगे बढ़िए, ये मेरी नहीं, प्रश्न को स्पष्ट कीजिए। चिंता का विषय है, बेंगाल गवर्नमेंट का रोल, जो रोल वो प्ले कर रहा है अभी का टाइम पे, वो क्या सही है? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, कोविड की लड़ाई में कोई भी नहीं चाहता कि कोविड बढ़े, कोई व्यक्ति हो, कोई परिवार का सदस्य हो, या सरकार हो, केंद्र हो, राज्य हो। ये मानना कि राज्य सरकार जो करना है वो नहीं कर रही, ऐसा मैं नहीं मानता। पर ये जो आपसी टकराव है, घर में भी यदि अगर लोग एक समस्या या आग बुझाने के लिए एक दूसरे को डांटते रहेंगे कि तू बाल्टी क्यों नहीं लाया, तने नल क्यों नहीं खोला, तो फिर वो आग बढ़ती जाएगी। तो मैं इस टकराव को कम करना चाहता हूँ। यह संकट पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये संकट पूरे देश में है, दुनिया में है। इस संकट को हम एक साथ मिलकर एकाग्रता से, सहभागिता से, एक दूसरे का सम्मान करते हुए किया जाएगा। यदि अगर एक रोटी है और 5 लोग हैं, एक खाएगा तो गड़बड़ होगी, 3 खाएंगे तो भी गड़बड़ होगी, पर 5 लोग आपस में बांटकर खाएंगे
तो उसको इक्विटेबल कहा जाएगा। इसीलिए मेरा ये अनुरोध है, कोविड बड़ा संकट है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है, दुनिया के मापदंड पर आप आकलन करेंगे, विशेषज्ञों ने किया है, हमारा परफॉर्मेंस है राज्यों को मिल रहा है जहां बीजेपी अपना सरकार बनाया हुआ है, इधर बीजेपी सरकार अपना नहीं बनाए, मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि बीजेपी इधर सरकार बना नहीं पाए, इसीलिए वो भी का वैक्सीन ऐसा ऐसा भेज रहा है बंगाल। ऐसा सुनिए सुनिए सुनिए, आप उनसे पूछे कितना भेजा है, पूछिए, और दूसरे को कितना भेजा है पूछिए, मैं बताता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता था। जिस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस के ऊपर शब्द मेरे यहाँ आते हुए रुक गए, वरना बहुत भयावह स्थिति हो जाती, मैं आपको असलियत का वर्णन करता तो आप लोग सब यहाँ से रोते हुए निकलते और अपने को धिक्कारते हुए निकलते। उसी तरीके से मैं बताता हूँ, मैंने चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को कहा कि आप कहते हैं आपके पास वैक्सीन नहीं है, तो क्या मुझे आप कुछ डेटा देंगे? उन्होंने एक डेटा दिया और लिखित में दिया, और उन्होंने कहा कि हम रोज़ाना 300,000 वैक्सीन लगा सकते हैं, वो मैंने अलग रख दिया। एक दिन बाद मैंने उनसे पूछा, क्या मुझे ये बताइए कि आपने वैक्सीन दैनिक आधार पर पिछले 7 दिन में कितने लगाए? जो दावा करते थे 300,000 का, वो 58,000 निकला, पर आप लोगों ने उसको छापा नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या कोई दिन ऐसा निकला जिस दिन आपके पास वैक्सीन नहीं रहा? आप समझ रहे हो मेरी बात है? कि क्या कोई दिन ऐसा निकला जिस दिन आपके पास वैक्सीन नहीं रहा? ऐसा दिन नहीं निकला, नंबर एक। नंबर दो, हम देश को ऐसे नहीं बांट सकते, जहाँ जितनी ज़्यादा समस्या है, यदि अगर पश्चिम बंगाल में समस्या ज़्यादा गंभीर होगी तो पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मिलेगा, इसका मापदंड बदनीयती से नहीं किया जाता है, इसका मापदंड बहुत ही रैशनल तरीके पर किया जाता है। पर उनको समझ में ये बात कम आएगी जो सरकार को विज्ञापन और अखबार की सुर्खियों से चलाना चाहते हैं। अखबार की सुर्खियों से न तो पीड़ित को कंपेंसेशन मिलता है, विज्ञापन से न उसका रिहैबिलिटेशन होता है और न कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ये लास्ट है, मैंने ये कहा कि तीन स्थितियां, राज्य सरकार ने कहा 300,000 वैक्सीन रोज लगा सकते हैं, जब उनसे पूछा तो अधिकांश दिनों के अंदर 50,000-60,000 लगाए उन्होंने। दूसरा पूछा, क्या कोई दिन ऐसा निकला कि आपके पास वैक्सीन नहीं रहा? कोई दिन नहीं निकला। ये भी पूछा, आज के दिन क्या वैक्सीन? आप खुद सोचिए ना, मैं विवाद विवाद क्यों करते हैं, ये खुद बताइए, आपको ऐसा कोई दिन लगा जिस दिन वैक्सीन या नहीं मिला? सर बहुत दिन मिला, पीपल आर स्टैंडिंग ऑन द लाइन। फॉरगेट दैट, आई एम सेइंग पीपल परेशानी में है, पीपल को दिक्कत है, मैं उससे अलग नहीं बढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, क्या सरकार ने यह कहा कि आज मेरे पास वैक्सीन नहीं है? लोग लाइन में खड़े हैं, वैक्सीन नहीं मिल रहा, ठीक है, समस्या है और बहुत बड़ी चिंता है। जो पीड़ा मैं पोस्ट पोल वायलेंस की देख रहा हूँ, उतनी बड़ी पीड़ा कोविड की भी है। जिसने अपना खोया है वो कैसे भूल सकता है, मैं मानता हूँ, पर मैं जो कह रहा हूँ उस बात से अलग मत भटके। क्या कोई दिन ऐसा निकला आज तक कि सरकार के पास केंद्र का वैक्सीन नहीं रहा? ये प्रश्न पूछिए। बेड्स की कमी है, सुनो, डाइवर्ट मत कीजिए, पहले वैक्सीन पर, आप उनसे प्रश्न पूछिए,
कि क्या कभी राज्य सरकार के सामने ये स्थिति आई है कि आज हम इसलिए वैक्सीन नहीं लगा पाते कि हमारे पास वैक्सीन केंद्र का दिया हुआ स्टॉक भी नहीं है, ये मेरे को बताइए। दूसरा, ऐसी स्थिति राष्ट्र के अंदर नहीं होनी चाहिए पर व्यवस्था में हो भी सकती है, क्योंकि एक राष्ट्र है, इतनी बड़ी समस्या से हम लड़ रहे हैं। तो मेरी बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज मत कीजिए, आप दोनों विषय पर विज्ञप्ति पर मत जाइए, डर पर भी मत जाइए, कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए। मैं तो कहते कहते थक गया, पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया। पेंडेमिक परचेज 2000 करोड़ थी, किसने कमेटी बैठाई? मुख्यमंत्री ने क्या कहकर कमेटी बैठाई कि अनियमितता हुई है? किन किन लोगों ने लूट की उसमें? जो कुछ भी धंधा करता था उसकी भागीदारी होगी। आपको रिपोर्ट मिली? वो आपने मांगी वो रिपोर्ट? क्या रिपोर्ट के दर्शन किए आपने? क्या किसी भी पत्रकार ने किए? यदि अगर मुख्यमंत्री 2000 पेंडेमिक स्कैम के अंदर खुद एक जांच कराती है कि भारी अनियमितताएं हुई है, मैंने मुद्दा उठाया ट्विटर पर, कई बार उठाया कि ये कैसा न्याय है, जिन पर जांच होनी चाहिए उनको जांच करता बना दिया। पर सब छोड़िए, क्या आपको वो रिपोर्ट मिली? क्या आपने मांगी? सुरक्षा को खतरे में मत डालिए, सोच कर मांगिए। ठीक, थैंक यू। मैं उनको हाथ जोड़ से कहकर आया हूँ, आप जल्दी आइए। आई विल टेक द बुलेट फॉर माई चेस्ट। मैं जहाँ जहाँ उनसे मिला वहाँ मेरे लिए निकलना मुश्किल हो गया। मेरी माँ की उम्र की महिलाएं ने मेरे पांव पकड़ लिए, बहन बेटियों की उम्र की महिलाएं उनके आंसू नहीं पक रहे थे, वो जो कह रहे थे मेरे कान पक गए। फिर भी मैंने कहा पाई जाकर मुख्यमंत्री से चर्चा करूँगा। दिल्ली को रिपोर्ट देंगे? दिल्ली को दूँ या नहीं दूँ सार्वजनिक विषय नहीं, पर मुख्यमंत्री से मिलूँगा, उनको आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि आप अपना दिल पसीजिए। पूछूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, महिला होते हुए आपने एक भी कठोर बयान क्यों जारी नहीं किया? आपने क्यों यह संदेश नहीं दिया प्रशासन को, कलेक्टर एसपी को, बर्खास्त हो जाओगे वायलेंस नहीं रुका तो, रिहेबिलिटेट नहीं किया तो, कंपेंसेशन नहीं किया तो? क्यों आप कहीं कहाँ नहीं गई? क्यों आपने किसी को क्यों नहीं भेजा? क्यों आपने ये छूट दे दी गुंडागिर्दी करने की? क्यों ऐसा आतंक का वातावरण कर दिया? क्यों समाज को वर्टिकली बांट दिया है? क्यों प्रजातंत्र के ऊपर इतनी बड़ी तलवार चल रही है कि वोट की कीमत इतनी भयावह हो जाए कि आदमी का गला ही अलग हट जाए? कि मैं कहूँ समझदार।